नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। आम खाने वालों के लिए आई बड़ी खबर, इस साल इतने रुपए तक बढ़ सकती हैं कीमतें। अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इस साल सर्दियों के चलते आम की फसल ना सिर्फ लेट है बल्कि 25% इसका उत्पादन कम हुआ है। अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको पैसे भी अधिक देने होंगे। कारण है कि उत्पादन में है भारी कमी। मार्च का महीना खत्म होते होते अहमदाबाद की नरोरा फंड मंडी में आने वाले आम ट्रकों का आना जाना काफ़ी बढ़ जाता था। आमतौर पर इस वक्त तक रोज 30 से 35 ट्रक आम मंडी बाजार में देखते थे, लेकिन इस साल संख्या 10 से ऊपर नहीं गई है। आम कारोबारियों का कहना है कि इसके लिए लंबी सर्दियां जिम्मेदार हैं और उत्पादन में भारी कमी आई है। कितने रुपये महंगा हुआ आम, चलिए जानते हैं। जी हाँ, अहमदाबाद की नरोड़ा फल मंडी में प्रेसिडेंट लक्ष्मण दास रोहेरा ने बताया कि आम के लिए जो गर्मी चाहिए वो अभी चार दिन से ही शुरू हुई है, इसलिए आम का उत्पादन इस वर्ष करीब 20-25% कम हुआ है। इतना ही नहीं, आम का सीजन 15 मार्च से शुरू हो जाता है लेकिन इस बार 15 अप्रैल तक खिंच चुकेगा, यानी आम कम आएंगे और देरी से आएंगे। ऐसे में आपको आम के ज़्यादा रुपये देने होंगे। अहमदाबाद की फल मंडी में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र से आम आता है। पायरी, सुंदरी, हापूस जैसे आम वैरायटी का आना शुरू हुआ है, लेकिन इस बार भी 25% आम ज़्यादा है। लेकिन पिछले साल जिस आम की कीमत 100 से 250 रुपये प्रति किलोग्राम थी, वो 150 से 300 ऊपर चल रहा है। तो कैसी लगी ये खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियों और ख़बरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।